ठीक है मनोज यादव, ठीक है मनोज जी, कैसे देख रहे हैं 51 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में, पहली लिस्ट जारी हो गई है? पूजा जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और के दल हैं, इनको पद्मश्री देना तरीके से राजीव जी ने उत्तर प्रदेश को लेके विश्लेषण किया या दिल्ली को लेके आप पार्टी के प्रवक्ता ने बातें रखी, उसके बाद वो चाहते हैं कि उनको पद्मश्री मिले क्योंकि उन्होंने टिकट का वितरण बड़ा अच्छा कर दिया। आपको बताऊं, बीजेपी के रणनीतिकार चाणक्यों को इंडिया अलायंस के सपने आ रहे हैं, और सपने इसलिए मैं पुष्टि कर दे रहा हूं कि इतनी बहुमत की डबल इंजन की सरकार, ये छोटी बात नहीं है। इसको अगर आप हम ध्यान से परिभाषित करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि रियलिटी यही है कि इतने डबल इंजन की सरकार, इतनी मजबूत, इतनी सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक एक सीट पे अपना घोड़ा गणित सही करने में लगी है, यानी कि गड़बड़ हो चुका है। जयंत चौधरी उसकी परिणति में आए, वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम आप बात कर सकते हैं कि क्या जरूरत थी। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का था, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के थे, उसके बावजूद भी उनको जयंत चौधरी की आवश्यकता है, ये डर है और ये डर अच्छा लगा। पहली बार तो नरेंद्र मोदी डर के चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक तो फ्री बिल्कुल जिसे कहते नहीं, एक मैदान में बैटिंग कर रहे थे, चौके चौके चक्के मार के, ना नॉट आउट, ना कुछ, ना कुछ, कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस बार पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जीरो पे आउट करी। मैं कल जनता का रिव्यू ले रहा था अपने कार्यकर्ताओं का, मैं दावे से कह रहा हूं कल 51 सीटों में 25 सीटें तो ऐसी हैं जो इनके प्रत्याशियों के टिकट ना काटने की वजह से विपक्ष की पार्टियां पूरी मजबूती के साथ हैं। और धन्यवाद करूंगा, हमारे पीडीए के सामने आपके पास प्रत्याशी नहीं नजर आए, ये भी जनता ने जान लिया कि आपकी रियलिटी क्या है, आपकी हकीकत क्या है और जनता इसको किस नजरिए से ले। जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 साल से अगले 5 साल के लिए बनाने के लिए खुद इच्छुक नहीं थी, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय से श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए फार्मूले के तहत जो सीटें बांटी गई और उनका रिप्रेजेंटेशन तय किया, जिसको बीजेपी भी नहीं छूना पसंद करती है, उससे बहुत हैरान परेशान। मैं आपको एक सीट की उदाहरण बताता हूं, अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने, ये देश के दलित सुन ले, ये देश के SC ST माइनॉरिटी के लोग सुन ले, कि अयोध्या सीट पे समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर ST वर्ग के हमारे 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद जी को चुनाव लड़ा। बीजेपी पहले से टिकट काट के अमित शाह को लड़ाना चाहती थी, लेकिन वो सारी खबरें झूठी हो गई और उसी का बलिदान करने के लिए लल्लू सिंह को टिकट पुनः दे दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चारों खाने चित करेगा। ये कह के बीजेपी के लोग सोच रहे हैं चाणक्य के आगे तो कुछ नहीं होगा। मनोज जी, अगर उन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो आप उसका भी आप उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ आप ऐलान करते जा रहे हैं कांग्रेस, वहीं अभी तक एक भी सीट पर कोई ऐलान नहीं, उसको लेकर कोई सवाल नहीं है। आपके सहयोगी दल यहाँ से वहां जा रहे हैं, उसको लेकर भी ठीक रहा सामने वाली पार्टी पर? पूजा जी, इतने सारे लोग पैनल में बैठे हैं और सबसे सवाल पूछ लेना, बीजेपी का पैटर्न क्या है चुनाव लड़ने का? ज्यादातर सीटों को बदल देगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी कोई व्यक्ति विशेष पार्टी यूपी में नहीं बदला ना, यूपी में नहीं बदला, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 10 साल की जो सरकार चल गई, जिसका इतना एंटी इनकन्वेंसिव है, उसके बावजूद प्रत्याशी का अलग से विरोध है, तो फिर नहीं बदला तो इसका मतलब सामने जो हमारे प्रत्याशी दिए गए हैं या जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी का उसके पास कोई विकल्प नहीं। बात इसकी है, हमने पीडीएफ फार्मूले से दिया, बीजेपी के पास पीडीएफ फार्मूले पे कोई प्रत्याशी नहीं उतार सकते। आप बताइए, अयोध्या में जो प्रत्याशी हमने दिया उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? इनकी मजबूरी बन गई लल्लू सिंह को चुनाव लड़ा, या इस तरह के जितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं वो स्पष्ट है। सिद्धार्थ, रिस्पॉन्ड कीजिए, कन्नौज की बात हो चाहे वो लोकसभा, क्या जवाब दिया जाए इन बातों का, क्या जवाब दिया जाए?